तो कैसे हो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनेंस मूनबिक्स के बारे में, क्योंकि जो पिछला वीडियो था वहाँ पे जो कुछ कमेंट्स आए थे वो ये बता रहे थे कि मुझे पता नहीं है, मैंने अच्छे से रिसर्च नहीं किया है, जो बाइनेंस मूनबिक्स का एयर ड्रॉप है वो नहीं आने वाला। तो उसी का अपडेट लेके वीडियो है। काफ़ी लोग उदास भी हो गए हैं मार्केट में कि बाइनेंस का मूनबिक्स नहीं आने वाला और हमें एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो हर चीज़ जो आपके मन में सवाल है उसका जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, मैंने जो लेटेस्ट अपडेट यूज़ किया था उस वीडियो में वो सितंबर 30 का था। यहाँ पे मैंने रात में वीडियो बनाया था और सुबह पब्लिश कर दिया था। 1 तारीख को ये अपडेट आई कि बाइनेंस मूनबिक्स जो है इस नाम का कोई टोकन नहीं आ रहा है, बाइनेंस से यहाँ पर अपडेट दिया। और प्लस अभी मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, जब बाइनेंस मूनबिक्स आया था यहाँ पे, हम इनका ट्विटर चेक करते हैं तो यहाँ पे 17 सितंबर को इन्होंने ट्वीट डाला था और बताया था कि हम टीजी मिनी ऐप गेम ला रहे हैं मूनबिक्स, जो कि किसी कारण से लीक्ड हो गया है, लेकिन अब इसका लॉन्च डेट क्या है कि हम तुरंत लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो टीजी मिनी ऐप गेम है, आप सिंपल यहाँ पे गेम खेलेंगे, उसके बदले आप मूनबिक्स पॉइंट कमाएंगे। तो सीधा सीधा ये इस टाइम पे अपना ये गेम लॉन्च कर रहे हैं जब हाइप है, जो टेलीग्राम मिनी ऐप है, जो मिनी गेम है वो लॉन्च हो रहा है एक्सचेंज पे। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास लोग आए, और वो चीज़ हुआ भी। अगर हम इस ट्वीट में देखते हैं तो कोई भी डिटेल नहीं है, कोई भी एक पेज नहीं है। अगर बाइनेंस कुछ लॉन्च करता है, प्रॉपर उसका एक पोस्ट बनाता है, वहाँ पे हर डिटेल होती है, तो मूनबिक्स का उस टाइम पे कोई डिटेल नहीं था। बस दो यहाँ पे टेलीग्राम के लिंक थे, एक टेलीग्राम बॉट का और एक अनाउंसमेंट चैनल का, ठीक है। और यहाँ पे कोई अपडेट नहीं थी। अगर मार्केट की बात करते हैं, जो न्यूज़ मीडिया हाउस है वो भी लगातार यही अपडेट दे रही थी और लिस्टिंग की बात कर रही थी कि Q4 में इसकी लिस्टिंग होने वाली है, और बाइनेंस इसको पहले ही क्लियर नहीं किया था, क्योंकि अगर चीज़ क्लियर हो जाती तो बाइनेंस को इतना ट्रैफिक नहीं मिलता। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी और यहाँ पे बाइनेंस ने वो चीज़ किया। तो इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हुई। अब यहाँ पे बाइनेंस की जो कम्युनिटी है अच्छी खासी हो गई, तो यहाँ पे अब कह रहे हैं कि हम कोई यहाँ पे क्वाइन या फिर कोई टोकन नहीं लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे 1 तारीख को जब ये इन्फॉर्मेशन आती है तो हर जगह कमेंट भी आता है, बाइनेंस स्कैम, बाइनेंस ने दिया धोखा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब पे हर जगह आता है। और फिर उसके बाद 2 तारीख को क्या करते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे आपको एयर ड्रॉप मिलेगा, ये तो लिस्टिंग नहीं हो रही थी लेकिन आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। अब आप बताइए कि आप ये जो मूनबिक्स का पॉइंट है वो किस में एयर ड्रॉप में लेना चाहते हैं। तो यही पावर होती है कम्युनिटी की, और आई थिंक बाइनेंस को पता है अच्छे से कि कम्युनिटी को भी निराश नहीं करना है। तो यहाँ पे बाइनेंस ने ये कंफर्म कर दिया कि ये जो टोकन है मूनबिक्स का ये लॉन्च नहीं होगा, लेकिन आपके जो पॉइंट्स हैं उसके बदले आपको एयर ड्रॉप मिलेगा। तो इस चीज़ को लेकर सब टेंशन फ्री हो गए हैं। ये जो बाइनेंस मूनबिक्स है, जिन लोगों ने खेला है, अपना टाइम दिया है, तो उनका टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। यहाँ पे उन्होंने वोटिंग करवाई, और वोटिंग में क्या था कि आप बताइए इन तीनों में से कौन सा ऐसा कॉइन है जिसमें आप ये एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं। पहला BNB था, दूसरा डॉक्स था, तीसरा नॉट कॉइन है। ये 3 ऐसे कॉइन का वोट हुआ जहाँ पे पूछा गया इनमें से किस कॉइन में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना एयर ड्रॉप लेना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वोट पड़ा है वो BNB के फेवर में पड़ा है, क्योंकि BNB एक अच्छा कॉइन है। अगर मैं बोलता हूँ जो होता है धंधो माइंडसेट, तो यहाँ पे ये अपडेट्स आते जाते रहते हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये बोल दे कि हम टोकन भी ला रहे हैं, इतना हाइप हो जाए, तो इस चक्कर में हमें नहीं पड़ना, हमें मेन प्रॉफिट पर देखना है। अगर आपकी वजह से जब आपने ट्रोल किया तो हो सकता है बाइनेंस ने कुछ सोचा हो, तुरंत अपडेट डाल दिया, तो आपकी वजह से ये पोस्ट आ गया है। तो अभी आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर भी कर दे रहा हूँ, अभी जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर तक यही डिटेल आई है कि ये एयर ड्रॉप देंगे। अब नया कोई अपडेट आता है तो कमेंट्स में ये मत बताना कि नहीं नहीं मुझे रिसर्च मैंने नहीं किया। तो अभी तक इनका कोई टोकन नहीं आ रहा है, लेकिन ये एयर ड्रॉप देंगे, ये अपडेट यहाँ पे आई है, और ऐसा कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है। हाँ, ये अलग अलग लैंग्वेज में अपना मूनबिक्स लॉन्च कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं मूनबिक्स का, तो मूनबिक्स के थ्रू ये एयर ड्रॉप देते रहेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव तरीके से देखूं, अगर मूनबिक्स एक गेम होता और वो लॉन्च हो जाता तो लॉन्च के बाद हमें उतना हाइप नहीं मिलता, मतलब लॉन्च हो गया एक बार एयर ड्रॉप आपको मिल गया, लेकिन पॉइंट्स के बदले हमेशा आपको हो सकता है एयर ड्रॉप कुछ कुछ देते रहेंगे। तो आपने पॉइंट्स कमाया, एयर ड्रॉप लिया, फिर आपने मूनबिक्स खेलना स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे आपके पास पॉइंट्स हो गया, फिर आपने उसको स्वैप कर लिया एयर ड्रॉप में। तो जब जब आपका मूनबिक्स पॉइंट रहेगा ये एयर ड्रॉप में आपको देते रहेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कोई लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से हम पॉजिटिव भी समझ सकते हैं। अगर ये लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम जब भी मूनबिक्स खेलेंगे हमें पॉइंट्स मिलता रहेगा,
तो यहाँ पे जो टोकन है ये हमें एयरड्रॉप में देते रहेंगे, प्लस बाइनेंस में और भी चीज़ें ऐड होगी उस मूनबिक्स पॉइंट के थ्रू। बाइनेंस का और भी यहाँ पे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स आपको हैं इनेबल किए जाएंगे अभी तक इस अपडेट के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या लेटेस्ट अपडेट आएगा ये हम नहीं जानेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि अब आपको बाइनेंस मूनबिक्स पे एयरड्रॉप मिलने वाला है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर हैमस्टर कॉम्बैट की बात करते हैं, कैटजन की बात करते हैं, डॉग्स की बात करते हैं, इन सब की लिस्टिंग हो गई है। अब इन सब का ऐप्स उतना यूजफुल नहीं है, कोई खेलना नहीं चाहता। एक बार कॉइन लॉन्च होने के बाद उस ऐप पे कोई एक्टिव नहीं रहता, वो तरीके एक तरीके का डेड हो जाता है, चाहे नॉट कॉइन हो चाहे जो हो, तो उस पर कोई जल्दी जाता नहीं। तो हो सकता है बाइनेंस वालों ने ये सोचा हो कि अगर हम ऐसा मूनबिक्स टोकन लॉन्च कर देंगे तो हमारा ये जो प्ले टू अर्न गेम है ये डेड हो जाएगा, इसकी कम्युनिटी कोई एक्टिव रहेगी नहीं, इसीलिए इन्होंने ये सोचा है कि इसके पॉइंट्स बदले आपको हम अदर कॉइन्स में एयर ड्रॉप देंगे ताकि मूनबिक्स लोग हमेशा खेलते रहें। तो एक तरीके की ये भी अच्छी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, और अगर ये पॉइंट्स के बदले अच्छा एयर ड्रॉप देंगे तो ये अच्छी चीज़ होगी। ठीक है, आई होप अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था शिबा इनू कॉइन में डंप आएगा, मैंने वो वीडियो बनाई थी जहाँ पे यहाँ पे बताया था, अब यहाँ पे बेच दो। तो यहाँ पे करीब करीब अब आ गया है, यहाँ पे 25% का डंप आ गया है, लेकिन सेकंड डंप जो है 41% का है। तो इस जोन में जब शिबा इनू कॉइन आपको मिलेगा तो यहाँ पे आप वापस से खरीद लेना, यहाँ पे खरीद लेना। प्लस बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन में डंप आना स्टार्ट हो चुका है, और पिछली वीडियो में जाके आप जरूर देखेगा जहां पे मैंने आपको टॉप 8 क्वाइंस खरीदने को बोला है। यहां पे मैंने ये चीज़ क्लियर की थी कि आपको तुरंत नहीं खरीदना है, मैंने बताया था कि बिटकॉइन 57K 55K इस जोन में जाए तो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा जोन है जहाँ पे अगर बिटकॉइन जाता है, ठीक है, यहाँ पे खरीदो, इसके बाद ये बाउंस करके ऊपर जाएगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर थोड़ा सा मार्केट और बुरा फड न्यूज़ आएगा तो ये जो सेकंड पॉइंट है इस पे हम आएंगे और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करके, दो पॉइंट है जहाँ पे हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं, एक 55K या फिर अगर 50K 52K बिटकॉइन जाता है, क्योंकि एक बड़ा क्रैश अभी आएगा। आप यकीन मानो इस अक्टूबर के महीने में इस 10 दिन के अंदर में कुछ न कुछ ऐसा बड़ा क्रैश आएगा जहां पे बिटकॉइन हमें डंप होते दिखेगा, और आपको करना वही है जो टॉप 8 क्वाइंस मैंने आपको सजेस्ट किया है, वही आपको करना है। जब मैंने बोला कि ये डंप किया, यहां से बिटकॉइन डंप होना स्टार्ट हो चुका है, तो इस चीज़ में तो अभी आप थोड़ा वेट कर लो, जब बिटकॉइन आपको 55K 57K का मिले उन 8 क्वाइंस में आपको पैसा लगा देना है, और US इलेक्शन के डेट के पहले से ही आपको सेल करके निकल जाना है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आकर ट्विटर पे प्लीज़ फॉलो कर लो, आपका एक सेकंड लगने वाला है। मैं लगातार न्यूज़ अपडेट ट्विटर पे देता रहता हूँ ताकि आपको कोई डाउट न रहे, मार्केट में लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ट्विटर पे आके फॉलो कर लो मुझे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये मूनबिक्स का डाउट क्लियर हो गया होगा। जैसे ही अगर कोई नया अपडेट आएगा तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक ले आऊँगा नए वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक लिए धन्यवाद।